जी दोस्तों, आज आ गए हम श्री राम रबर शीट में। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको कन्वर्ट बेल्ट, रबर शीट, फाइबर शीट, तालपत्री और रबर की बहुत सारी आइटम आपको यहाँ पे रिजनेबल रेट में मिलने वाली। जी दोस्तों, तो चलिए जाते हैं प्लॉट के अंदर और ज़्यादा जानकारी लेंगे हम ओनर से। ये कारपेट है जी, ये जो कारपेट है ना, ये कारपेट फैक्ट्री में, मकान में बिछाने के लिए फ्लोरिंग में चलता है। और पीवीसी कारपेट है, मेड इन यूएसए, अमेरिका का माल है वो। और उसका पन्ना है जो है 12 फीट की चौड़ाई है और 100 फीट, 150 तक वो लंबा मिल सकता है। और एकदम इम्पोर्टेड माल रहता है। उसका रेट 50 रुपये से लेके 80 रुपये किलो तक हमारे पास है जी। फिर जैसी क्वालिटी वैसा रेट? हाँ, जैसी क्वालिटी वैसा है। एक कन्वर बेड है ना, क्रेशर में, कोरी प्लांट में और फैक्ट्री में, मतलब फर्टिलाइजर कंपनी रहती है। और ये इम्पोर्टेड माल है, ये जहाज के अंदर से निकलता है, मतलब मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब उधर से माल आता है। और वो माल चेकेड एंड रहता है हमारा, अलंग का माल। ये माल हमारे पास से 70 रुपये से लेके 135 रुपये तक किलो आपको ये मिलता है। माल इम्पोर्टेड रहता है, एक नंबर क्वालिटी का माल रहता है, M24 ग्रेड का ये माल रहता है। ये सर सिलिकॉन रबर है, इम्पोर्टेड रबर है। ये जहाज के अंदर से रबर निकलता है, ये प्लाई वाला रबर बोला जाता है, नायलॉन की प्लाई उसके अंदर रहती है। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती है ना, उसके नीचे फ्लोरिंग में बिछाते हैं। ये सिलिकॉन रबर जल्दी टूटता नहीं है, इम्पोर्टेड माल रहता है। मतलब ये काला रबर से ये सिलिकॉन रबर बहुत मजबूत वाला आइटम है। ओके, अगर प्राइस की बात करें तो सर? वो प्राइस उसकी है 60 रुपये से लेके 80 रुपये किलो तक ये माल मिलता है जी। मतलब किलो पे मिलेगा ना? हाँ, किलो पे, केजी के हिसाब से मिलेगा सर। ये सर है ना, ये पीवीसी शीट है, ये पीवीसी शीट है ना, पेवर ब्लॉक में और पार्टीशन में, ऊपर की सीलिंग में ये मटेरियल चलता है। ये जल्दी टूटने वाले आइटम नहीं है, उसको एकदम मूड से उसको गोल रोल बनाएगा तो भी टूटने वाले आइटम नहीं है। okay. और ये आइटम है ना, ये जहाज के अंदर से निकलती है और माल है ना, एकदम इम्पोर्टेंट माल रहता है। उसकी मजबूती बहुत रहती है माल की जी। और वजन में हल्का, सबको यूज करने में एकदम सस्ते में परवड़ता है वो माल जी। अगर प्राइस की बात करें तो सर? प्राइस उसकी है 70 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक है जी। मतलब जैसे क्वालिटी? हाँ, उसकी चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई 3 फीट से 1 मीटर की चौड़ाई आती है। okay. और 8 फीट से लेके 20 फीट तक लंबा आता है जी। ये सर कन्वर बेड है, एक कन्वर बेड है ना हमारे पास से 1 फीट से लेके चौड़ाई में, 1 फीट से लेके 5 फीट तक चौड़ाई मिलती है और 50 फीट से लेके 1000 फीट तक लंबा मिलता है। और एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, क्रेशर में, एक कोरी प्लान में, जो पत्थर जो पीसने वाली जो फैक्ट्री रहती है ना, इसमें यूज होता है। ये उसका रेट जो है सर, ये रेट उसका के 80 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक ये माल मिलता है जी हमारे उधर से। एकदम इम्पोर्टेड माल रहता है, जहाज के अंदर से निकलता है। उसका ग्रेड जो रहता है M24 ग्रेड का रहता है, और 3 प्लाई, 4 प्लाई और 5 प्लाई का माल रहता है सर वो। मतलब बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट रहेगी, एकदम एक नंबर। ये सर है ना रबर शीट है, ये रबर शीट नीचे बिछाने के लिए काम आता है। ये रबर एकदम इम्पोर्टेड रबर रहता है। ये जो कन्वर बेड की शीट जो आती है ना, वही टाइप का ये रबर शीट है। एकदम इम्पोर्टेड माल है, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 5 प्लाई का माल है। और 8 mm से लेके हमारे पास 46 mm तक रबर आपको मिल जाता है नीचा बिछाने के लिए। उसका रेट है, वो रेट 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक उसका रेट है सर जी। केजी पे ना? हाँ, केजी पे। ये सर फाइबर की पेटी है, और फाइबर की पेटी में जहाज के अंदर से जो निकलती है स्टोर में लगती है। स्टोर का मतलब ऐसा रहता है कि उसका सामान रखने के लिए। ये फाइबर की रहती है, वो कभी जंग नहीं पकड़ती है और ये टूटती भी नहीं है। उसकी प्राइस है 2500 से लेके 7000 रुपये तक अपन पास ये पेटी मिल जाती है। पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से रहती है जी। फिर और साइज के हिसाब से, कोई बड़ी छोटी रही तो? और माल एक नंबर रहता है जी, वो जहाज का है माल है वो। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वांटिटी में जो फाइबर की पेटी आप देख रहे हो वीडियो में मिल जाएगी, जो भी चाहिए। ये स्टोर का माल है, मतलब जहाज का माल है, जहाँ पे
जहाज में स्टोर करने के लिए ये सब पेटी यूज होती है जो जहाज के इम्पोर्टेड चीज है। आप देख एक सर हलंग का पाना है, पाना पकड़ पेशकश, ये जो पाना है सर ये रिंग पाना उसको बोला जाता है, फिक्स पाना बोला जाता है। ये पाना है ना एकदम इम्पोर्टेड माल रहता है, मतलब अपना जो इंडिया का जो पाना रहता है ये पाना से उसकी मजबूती है ना बहुत ज्यादा रहती है ये पाना की। और ये पाना है ना ये उसको जल्दी खराब नहीं होता है जहाज का, लेकिन ये सेकंड हैंड रहता है। जहाज के अंदर जो माल निकलता है ये जूना माल निकलता है, कोई नया माल नहीं रहता है जी। ये तो बात है। और दूसरी चीज आप जो दोस्तों देख रहे हैं ना ये चीज 20 साल यूज हुई है, क्योंकि कोई भी जहाज लगता है उसकी एक्सपायरी डेट होने के बाद, जैसे कि 20 साल 25 साल के बाद ये जहाज लगता है। तो आप देखिए कि 20 साल यूज होने के बाद भी इसकी आप कंडीशन देखिए कि कंडीशन कैसी है। अगर आप यही चीज अगर मार्केट में से न्यू लेंगे तो ये 5 साल के अंदर ये खराब हो जाने वाला, लेकिन ये 20 साल यूज होने के बाद भी इसकी कंडीशन बेस्ट है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये सर कापड़ है, जो कापड़ सोफे में और रिवोलिंग चेयर में, मकान में बारी का जो पर्दा बनाता है ना ये पर्दा का सर ये कापड़ है। ये कापड़ है ना एकदम इम्पोर्टेड कापड़ है, ये नेट वाला कापड़ है। वो धूप आएगा तो धूप में जो पर्दा करने के लिए मकान में यूज होता है ना उसमें भी ले सकते है, सोफा का कवर में भी ले सकते है, और चेयर में रिवोलिंग चेयर में भी आप यूज करते है। उसकी प्राइस है सर वो 90 रुपये से लेके 130 रुपये किलो तक हमारे उधर से मिल जाता है कापड़। और उसका कलर सब अलग अलग रहता है, कोई भी कलर मांगो मिल जाएगा सर, ये नेट वाला कापड़ है सर।